ने के लिए प्रॉक्सी सरकार बनाने की तो कवायद हुई है, लेकिन जिस तरह का विरोध इस वक्त तालिबान का हो रहा है, ऐसे में 6 महीने कितनी बड़ी चुनौतियों से भरे होंगे इस तालिबान सरकार के लिए। देखो, जाहिर तौर पर ये चुनौतियों भरा दौर रहेगा और इसकी शुरुआत कल रात से ही हमने देखा हो चुकी है, क्योंकि जो कॉल दिया है अहमद मसूद ने, उसके बाद जो सड़कों पर लोग आए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ, न सिर्फ काबुल में बल्कि सात समंदर पर, वॉशिंगटन डीसी में भी, यूके में भी, जर्मनी में भी। तो जाहिर तौर पर ये चैलेंज अफगानिस्तान सरकार के सामने लगातार है, तालिबान सरकार के सामने। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि माना यह जा रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट होगी, अभी तक ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया है, जो तमाम नाम जिनका नाम घोषित हुआ है अब से कुछ देर पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की शेप दिखाए। ये बस वही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ही जो चेहरे हैं उन्हीं को प्रोमिनेंट जगह पर रखा गया है, जो लगातार कहा जा रहा था कि जो पिछली सरकारों में जो लोग थे उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा, इसमें ताजिक को, उज्बेक को और हजारा को अकोमोडेट किया जाएगा, लेकिन जो टॉप पोजीशंस हैं वहां पर सिर्फ हक्कानी और तालिबान ही नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात लगातार हो रही है, अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि अभी रिकॉग्निशन की बात हम नहीं कह सकते हैं, यूके भी ये बात कह रहा है, भारत भी दबे होंठों ये बात कह रहा है कि वहां देखना होगी किस तरह की सरकार वहां आती है, उसके बाद रिकॉग्निशन की बात होगी। तो ऐसे में कदम उठाने होंगे, जो ये आज सरकार की घोषणा हुई है, जल्दबाजी में लगता है ये सरकार की घोषणा हो रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं ये हालात तालिबान के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। चले जल्दबाजी में आप बने रहिएगा, और ये जो नई सरकार के गठन के नुमाइंदे सामने आ रहे हैं उनसे तो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, वो चेहरे कौन कौन से होंगे। तालिबान ने नई सरकार का ऐलान किया है अफगानिस्तान में, सरकार के गठन के साथ ही मुल्ला हसन अखुंद जो है वो अब प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आएंगे और उनके डेप्यूटी होंगे मुल्ला बरादर, उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया गया है। साथ ही साथ तमाम विभागों का भी बंटवारा हुआ है, उसमें एक एक करके मुल्ला याकूब रक्षा मंत्रालय, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ये प्रॉक्सी सरकार है, यानी कि 6 माह के लिए कार्यवाहक सरकार का ऐलान हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ बिग पिक्चर ऑफ द डे, इस सरकार से भी ज्यादा गठन से बड़ी पिक्चर ये कि महिलाएं और पुरुष उतर पड़े हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर। काबुल से हमने वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाई, वॉशिंगटन डी से, अमेरिका से लेकर तमाम जगह पर, तेहरान से लेकर देश के इन हिस्सों के अलावा जहां जहां अफगान से जुड़े हुए लोग हैं, अफगानिस्तानी लोग रहते हैं, वहां पर एक बड़ा तबका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इन विरोध प्रदर्शनों के बीच शैलेंद्र वांगू, इस सरकार का गठन मतलब साफ है, बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा तालिबानी सरकार को। देखिए, इतना आसान नहीं होगा, जिस तरह से बंदूक की नोक पर और जबरन तालिबान ने कब्जा किया है अफगानिस्तान पे, और यहां तक कि पड़ोसी मुल्क ये भी कह रहे हैं, ईरान की तरफ से जो बयान आया है कि वहां पर चुनाव होने चाहिए, एकमात्र सॉल्यूशन हिंसा का यही है कि वहां पर चुनाव कराए जाना चाहिए, ताकि लोगों की जो मंशाएं हैं, लोगों की जो एस्पिरेशन उनको पूरा किया जा सके, ये ईरान का कहना है। लेकिन जाहिर तौर पर जो ये सरकार है, जैसे आपको बताया, ये बहुत जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि ये किया गया हो, और कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों टसल देखने को मिला तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच में, जिसके बाद आईएसआई चीफ को बीच में कूदना पड़ा और आईएसआई के चीफ काबुल आया, और उसके बाद माना जा रहा है कि अलग अलग मुलाकात करने के बाद ही हक्कानी नेटवर्क को थोड़ा इसमें कम जगह मिली है, उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री मिली है, डिफेंस मिनिस्ट्री मुल्ला याकूब को मिली है। तो जाहिर तौर पर जो तालिबानी ये नेता है उनको उनकी जिम्मेदारी इसमें दी गई है नए कैबिनेट में। तो ऐसे में हक्कानी नेटवर्क को थोड़ा सा इसमें टोन डाउन किया गया है, तालिबान को बहुत ज्यादा इस कैबिनेट में लगता है कि वजन मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये सरकार कैसे चल पाती है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है, इकोनॉमी डूब चुकी है और किसी भी बड़े देश का समर्थन फिलहाल सरकार को नहीं मिल पा रहा है। चलिंद्र, इस पूरे सरकार के गठन में सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की है। वो आईएसआई जिस तरह से एक हफ्ते से उनके प्रमुख डेरा जमाए बैठे हुए थे और लगातार उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, उसकी तस्वीरें भी हमने अपने व्यूवर्स को दिखाई। ऐसे में पाकिस्तान की भागीदारी इस नई सरकार में, जो सिर्फ प्रॉक्सी सरकार है, 6 महीने के लिए गठित हुई है, उसका रोल क्या है पाकिस्तान का, विश्व जानना चाहता है, वो लोग जानना चाहते हैं जो आज सड़कों पर पाकिस्तान के विरोध के लिए उतरे हैं। देखिए, अभी तक जो जो सबसे बड़ा चेहरा नजर आ रहा है इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री का, वो सिराजुद्दीन हक्कानी का है। हक्कानी नेटवर्क का बड़ा नाम और पाकिस्तान प्रॉक्सी के तौर पर हक्कानी नेटवर्क चलाता रहा है आज से पहले भी,
यहां तक कि जब पिछली तालिबान की सरकार थी उस वक्त हकानी नेटवर्क लगातार भारत के इंटरेस्ट पर हमला करता आ रहा था और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के इशारों पर ही हकानी नेटवर्क काम करता है। हकानी इकलौता ऐसा नाम है इंटर मिनिस्ट्री जिनको मिली है, तो जाहिर तौर पर अब जो प्रोटेस्ट वहां हो रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे जनता की आवाज दबानी है, ये अब सीधे जिम्मेदारी सिराजुद्दीन हकानी की होगी। उनके सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि हम देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज सिराजुद्दीन हकानी के सामने यही है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि तालिबान भी माना जाता है कि पाकिस्तान के इशारों पर ही कदम उठा रहा है। हमने ये भी देखा कि पंजशीर में किस तरह से पाकिस्तान ने मदद की है तालिबान की पंजशीर पर कब्जा करने के लिए। तो जाहिर तौर पर हकानी की बात करें तालिबान की बात करें दोनों ही पाकिस्तान के ही प्रॉक्सीज हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो चैलेंजेस फिलहाल इस वक्त सरकार के सामने हैं उनसे कैसे निपटती है नई सरकार।